सा कैंप लगाया गया है क्या? ये बोपो के बारे में लगाया है डोंगिया हाल कायट की तरफ से, इसमें मौसमी बीमारियां और जलावस्था के निवारण हेतु तो काढ़ा पिलाया जा रहा है, इसके अलावा निःशुल्क आयुर्वेद शिविर लगाया जा रहा है। अब तक कितने पेशेंट आ चुके हैं? अभी तक लगभग 425 पेशेंट आ चुके हैं। डॉक्टर अनुराग मिश्रा। हाँ मैम बताइए, आज जो शिविर लगाया गया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय द्वारा भोंपू के बाड़े में शिव मंदिर में आज हम कैंप लगा रहे हैं। इस कैंप के अंतर्गत आयुर्वेद चिकित्सा दी जा रही है, निःशुल्क दवाइयाँ एवं क्वाथ का वितरण किया जा रहा है। मौसमी बीमारियों के रोकथाम के लिए यहाँ पर जैसे ही मौसम बदलता है, आए दिन जब भी बुखार सर्दी जुखाम हो जाता है तो बच्चों में जरावस्था जन्य बीमारियों हैं, बुजुर्गों में जो भी हैं उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क हम औषधि वितरण कर रहे हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में इसके प्रचार प्रसार के लिए आयुर्वेद चिकित्सा दी जाती है और इस चिकित्सा से हम मौसमी बीमारियों की पूर्ण रोकथाम कर सकते हैं और काढ़ा वितरण से यहाँ पर जो भी स्वाइन फ्लू और मलेरिया डेंगू आदि है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इसमें हम ताज़ी जड़ी बूटियाँ लेकर हम इनका क्वाथ का निर्माण हम स्वयं करते हैं। शुद्ध हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको अपने आप स्वयं ही तैयार करके और बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हम इसका वितरण कर रहे हैं। अभी किस तरह की बीमारी चल रही है? अभी यहाँ पर किस तरह के आए मौसम? जैसे ही मौसम बदलता है मौसमी बीमारियाँ वातावरण में फैल जाती हैं, जन समुदाय बहुत परेशान हो जाता है, हाई एंटीबायोटिक लेके परेशान हो जाते हैं, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं रोगियों की और इसकी रोकथाम के लिए सुझाव भी दिए जाते हैं और औषधियाँ जो हैं वो स्वयं तैयार करके इफ़ेक्टिव औषधियाँ होती हैं जो कि सर्दी जुखाम को ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन में हम उसको कवरअप कर लेते हैं। आपका नाम? डॉक्टर संध्या गौतम, SMO राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय। हाँ बताओ भैया, आज की जगह चिकित्सा क्या उद्देश्य? आयुर्वेद डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार के द्वारा जो कि महात्मा गांधी जयंती 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो आयुर्वेद का कैंप लगा जिसमें निःशुल्क परामर्श, इतने सारे डॉक्टर्स आए हैं, नर्सिंग स्टाफ आए हैं और औषधि वितरण कार्यक्रम रखा गया है, साथ में काढ़े का भी रखा गया है। काढ़ा बहुत फायदेमंद है जो कि स्वाइन फ्लू और मौसमी बीमारियों से लड़ने के लिए और चिकनगुनिया की रोकथाम करेगा ये काढ़ा। सभी स्कूली बच्चों ने, बहुत सारे मरीजों ने, करीबन 475 मरीज अभी तक आ चुके हैं जिनने फ़ायदा उठाया, औषधियाँ प्राप्त की है। नरेंद्र तुंडवाल, इंडियन ग्रुप, अजमेर।